पैसे प्रति यूनिट का इजाफा बिजली की दरों में कर दिया गया है। तो गर्मी के प्रचंड तेवर से लोग पहले ही परेशान थे, बिजली कटौती से लोग परेशान थे, और इस बीच एक बड़ा झटका दे दिया विद्युत विनियामक आयोग ने, इसके लिए ऐलान कर दिया है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं, कहां तो बिजली के आधे दाम की बात कही जा रही थी, आधे बिजली के बिल की बात कही जा रही थी, चुनाव आपको याद होगा। लेकिन चुनाव तो खत्म हो गया, और अब चुनाव खत्म होने के बाद अब बिजली के दाम में झटका लोगों को देने के लिए यह खबर आई है। छत्तीसगढ़ में बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, बिजली ने लोगों को झटका दिया है। 20 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा कर दिया गया, विनियामक आयोग ने यह ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। सुनाएंगे आपको कि हेमंत वर्मा चेयरमैन विद्युत विनियामक आयोग के क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इसके पीछे दलील दी जा रही है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में बिजली के दामों को बढ़ा दिया गया, और बिजली के बिल से अब लोगों को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि प्रति यूनिट 20 पैसे का इजाफा, बहुत बड़ा इजाफा इसे देखा जा सकता, कहा जा सकता। ममता लांजेवार हमारी संवाददाता रायपुर से जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। ममता, कहां तो आधे बिजली के बिल की बात हो रही थी, चुनाव याद है, उस पर सवाल जब किया गया था तो सत्ता पक्ष बीजेपी ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन चुनाव विधानसभा का कुछ समय बीतने के बाद अब लोगों को झटका लगने लगा है महंगे बिजली बिल का। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, और बिजली नियामक आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और चेयरमैन हेमंत वर्मा ने बताया कि बिजली की जो नई दरें हैं उसमें औसतन 8.3% की वृद्धि हुई है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है। यानी ये भी बढ़ोतरी जो है अच्छी खास मानी जाएगी। 4420 करोड़ के घाटे का प्रस्ताव आया था, और 20% की घाटा की जगह 8.3% वृद्धि हुई, चूंकि 1000 करोड़ रुपए सब्सिडी, 1000 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो सरकार ने वहन किया है। किसान पंप और झोपड़ी कनेक्शन जो है घरेलू वर्ग में और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 50% की जगह 25% छूट दी गई है, यानी कि छूट में भी कमी आई है, और मोबाइल टावर के लिए जारी छूट जो है वो आधी हुई है। किसान के लिए प्रति यूनिट 25 पैसे की वृद्धि हुई है, तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए और आम लोगों के लिए एक बड़ा झटका जो है इसे माना जाएगा, आम लोगों के लिए झटका माना जाएगा। ये किसानों के लिए झटका है, आम लोगों के लिए झटका है, सभी के लिए झटका है, लेकिन क्या दलील दी गई है इसके पीछे कि क्यों ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो पूरी बिजली आधा बिल की बात हो रही थी। बिल्कुल, देखिए 44,020 करोड़ का घाटा जो है वो बिजली विभाग को हुआ है, और ये इसको लेकर उनसे पूछा भी गया कि किस उसमें हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि जो है वो हर क्षेत्र में जो है वो इस तरह का घाटा हुआ है, जो है कि बिजली के दाम, उनका कहना था कि जितना घाटा हुआ है अगर 1000 करोड़ सरकार नहीं वहन करती तो 20% की औसतन दर से जो है वो बिजली जो है वो उसमें बढ़ोतरी होती, लेकिन अब अगर हम बात करें तो 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी हुई, तो अपने आप में जो है वो वैसे भी काफी है जी। बिल्कुल, और ये विपक्ष का क्या कुछ कह रहा है इस पर, क्योंकि विपक्ष कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे तब तो सत्ता पक्ष में था, और तब इस बात को लेकर तमाम दावे तमाम बातें हो रही थी, लेकिन अब क्या कुछ विपक्ष का कहना है इस पर। तय तौर पर विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा था कि सरकार जो है वो वादा खिलाफी कर रही है, और कांग्रेस को एक मौका भी मिल गया है आने वाले समय में, जिस तरह से कांग्रेस जो है एक प्लानिंग कर रही है कि वो प्रोटेस्ट लेकर प्लानिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसको लेकर कर सकती। मैं देखिए जो चेयरमैन है उनसे बात करवाने की कोशिश करती हूँ लाइव फ्रेम में, जो विनियामक आयोग के जो चेयरमैन है उनसे मैं सीधे जो है बात करवाती हूँ, फ्रेम जो है तो हम सीधे उनसे मिलते हैं, सीधे बात करते हैं। हेमंत वर्मा साहब नमस्कार। इस वक्त और उनसे बात करते हैं सर, ये जो एक
राज्य विनियामक आयोग के अध्यक्ष जो है हेमंत वर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, और उनसे बात करते हैं। सर, एक बार हम चाहेंगे कि फिर से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की बिजली की जो दरें हैं उनमें वृद्धि हुई है और क्या चीज़ें, क्यों ऐसी वृद्धि करनी पड़ी है। देखिए, कंपनी ने जो 4420 करोड़ का राजस्व घाटा का प्रस्ताव हमें भेजा था अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको उसको ध्यान में रखते हैं तो करीब करीब 20.58% का वृद्धि बनता था कैलकुलेशन से। लेकिन सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की प्रतिभूति कंपनी को दी और हम लोगों ने भी जो उनने जो फिगर्स दी थी, डाटा दी थी, उसका जब विश्लेषण हमने किया तो इन दोनों को मिला के जो बना कि हम 8.58% की जो वृद्धि करेंगे तो उससे बात बन जाएगी और उतना ही वृद्धि हमने की है। घरेलू जो बिजली है सर, उसमें 20% 20 पैसे प्रति यूनिट जो वृद्धि हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा, ये भी तो एक बड़ा झटका है। देखिए, ऐसा है कि ये पिछले साल की कुछ भी वृद्धि नहीं हुई थी। एक्चुअली सब कोल की प्राइजेस और सारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ रही है, तो बिजली का भी दर ऐसा है कि इसको भी लगातार कुछ ना कुछ तरीके से बढ़ाते रहना चाहिए थोड़ा सा, है ना। और जो इस कारण से पिछली बार नहीं हुआ था, इसी कारण से ये वृद्धि हुई है, नहीं तो अदरवाइज तो इतना नहीं होता। हाँ, बिजली बिल हाफ की बातें होती थी। नहीं तो अभी भी चले तो शासन की योजना है, शासन करती रहती है। और अभी देखिए ना, अभी हमने बताया ना 1000 करोड़ रुपए का तो सहायता दी है उनने कंपनी को। आपने एक चीज और बताई सर, नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पे जो टावर लगा है, मोबाइल टावर, उसकी जो छूट है जो 50% थी उसको भी हाफ किया गया है। देखिए, ये है, ये जो छूट है वो 2019 से चल रही थी, तब उस समय टावर लगाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब हम जब 2024 में है तो हमने एनालिसिस किया कि बहुत सारे टावर ऑलरेडी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो गई है। इधर आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की करेंगे। छत्तीसगढ़ से खबर है, बागेश्वर धाम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो गई है। बागेश्वर धाम के महाराज के भाई शालीग्राम गर्ग ने धमकी दी है। पूर्व दोस्त जीतू तिवारी को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी दी गई। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर यह धमकी दी गई है। मैसेज में लिखा गया है, 72 घंटे में 13 खेल खत्म। लॉरेंस बिश्नोई को जानता ही होगा, सर्च कर लेगा। धमकी से डरकर पीड़ित परिवार शालीग्राम गर्ग की शिकायत लेकर पहुंचा है बबीठा पुलिस थाना। महाराज के भाई कल अपने पूर्व दोस्त जीतू तिवारी के परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। शालीग्राम और उसके अन्य सभी साथी फरार। हम लोग घर गए थे तो हमारे वहां पे आए कुछ लोग, उन्होंने धमकी देते हुए गाड़ी से स्पीड में आए, बोले हमारे गंदी गंदी गालियां दी हैं तो मैं भी उठा लेंगे। और शालीग्राम महाराज का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया है कि अब तो मैं 72 घंटे में घर से उठा लेंगे, जान से मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई को तुम अच्छे से जानते हो ना, उनसे उनके कॉन्टैक्ट हैं या नहीं भगवान जाने, लेकिन उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की हमको धमकी दी है। अब ना ही हम घर में रह पा रहे हैं, नहीं कहीं रह पा रहे हैं। ये बताइए, घर हम लोग थाने में, कल FIR भी हो गई थी ना जी, FIR होने के बाद कोई कार्रवाई और? कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पुलिस हमारे घर गई है, ना ही हमारे पुलिस ने हमारे सुरक्षा की है कुछ। तो आपको बता दें कि कल बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर गुंडागर्दी का आरोप लगा था और आज अपने पूर्व दोस्त को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने का उन पर एक और आरोप लगा है। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, उनके भाई पर ये आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये जीतू तिवारी जो है उसने एक पोस्ट भी लिखा था, और क्या लिखा था इसमें ये आप देखिए कि बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई का मैं अब अस्तित्व खत्म कर दूंगा, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं इनके, इससे धाम पर संकट आ सकता है, अब सतर्क रहें बागेश्वर धाम सरकार, ये वो लिख रहे हैं।
नरेंद्र सिंह परमार हमारे संवाददाता छतरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, पूरे मामले को आपसे समझना चाहेंगे कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की धमकी की बात सामने आती है, दूसरी तरफ एक और पोस्ट सामने आता है, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं, ये जीतू तिवारी लिख रहा है और कह रहा है कि मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि तेरा खेल खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अब सतर्क रहने की जरूरत है। ये मामला क्या है? आपस में अदावत का मामला है, झगड़े का मामला है, किस बात को लेकर यह विवाद है? और इसमें लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होना यह भी अपने आप हैरान करता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से सालेग्राम गर्ग और जीतू तिवारी, यदि इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छे, जो कहा जा सकता है कि परम मित्र थे। एक दूसरे के साथ हमेशा रहा करते थे, साया के साथ एक दूसरे के साथ बैठते थे, उठते थे, खाना खाते थे, यहाँ तक कि रात में भी एक ही जगह पे ये लोग आराम किया करते थे। लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों के चलते इन दोनों के बीच में मनमुटाव इतना तेज बढ़ गया है कि वो एक दूसरे को पटकनी देने में लगे हुए हैं। जहाँ तक बात की जाए कल के घटनाक्रम की, तो बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरकृष्ण शास्त्री के जो भाई हैं सालेग्राम गार्ग, वह जीतू पटवारी के घर जाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। जीतू पटवारी मौके पर नहीं मिलते हैं, घर में नहीं मिलते हैं। जीतू तिवारी की पटवारी, बागेश्वर महाराज के जीतू तिवारी जो है वो घर पे नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद तत्काल जो है कि वहाँ पर सालेग्राम गर्ग और अपने साथियों के साथ उनके जीतू तिवारी के माता पिता भाई बहनों के साथ जमकर मारपीट करते हैं, लाठी डंडे बरसाते हैं। और उसके बाद जब घटना हो जाती है, घटना के बाद तत्काल पीड़ित परिवार जो है पुलिस में FIR कराने बमीठा थाना पहुंचता है। पुलिस ने करीब 3 घंटे की देरी से प्रकरण इस पूरे मामले में दर्ज किया था, तभी से लेकर सालेग्राम गर्ग और उनके साथी इस मारपीट के मामले में फरार हैं। और इन दोनों जो लॉरेंस बिश्नोई की अब बात की जा रही है, इसको लेकर जीतू तिवारी ने भी एक पोस्ट किया है फेसबुक पर। उन्होंने डाला है कि वह बागेश्वर धाम महाराज का अस्तित्व खत्म कर देंगे, उनके पास ऐसे ऐसे धाम के फुटेज हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आए दिन इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जमकर दौड़ रही हैं। और कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम के कुछ ऐसे वीडियो इन लोगों के हाथ में लगे हुए हैं कि जिसमें भांग धाम का जो अस्तित्व है वो वाकई में खतरे में आ सकता है। लेकिन हाल फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई का जब से इसमें जिक्र आया है, नरेंद्र, लॉरेंस बिश्नोई का जब से इसमें जिक्र आया है, यह मामला बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत बड़ा हो जाता है। पुलिस को इसमें त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। पुलिस उतने एक्शन में नजर आ रही है क्या? देखिए, बागेश्वर धाम के महाराज के छोटे भाई से मामला जुड़ा हुआ है, तो पुलिस एक्शन में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुस्ती है वो स्पष्ट रूप से इस पूरे मामले में देखी जा रही है। क्योंकि कल ही 3 घंटे के विलंब से प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसके बाद आरोपी पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई है। पीड़ित परिवार के बयान लेने पुलिस गढ़ा गांव बागेश्वर धाम नहीं पहुंची है, ऐसा जीतू तिवारी का आरोप है। जीतू तिवारी का यह भी आरोप है कि उनको जान का खतरा है। चूंकि जो सालेग्राम गर्ग है, उन्होंने जीतू तिवारी के व्हाट्सएप पर यह मैसेज किया है कि तेरे पास 72 घंटे हैं, उसके बाद तेरा काम तमाम हो जाएगा। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जानता ही होगा, यदि नहीं जानता है तो सर्च कर लेना। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि बागेश्वर धाम का जो विवाद है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो चुकी है। और स्पष्ट तौर पर साफ तौर पर खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो धमकी है वो सालेग्राम गर्ग, जो बागेश्वर धाम के महाराज के भाई हैं, उनके द्वारा जीतू तिवारी को दी गई है। तो जीतू तिवारी इसके बाद पूरी तरह से डरे सहमे हुए हैं, अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं और गाँव छोड़कर वो कहीं यहाँ वहाँ भटक रहे हैं जी। और वो वीडियो की जो बात कही जा रही है, अब देखना होगा कि जो कौन से ऐसे वीडियो हैं जिससे खुलासा हो जाएगा, संकट में आ जाएगा बागेश्वर धाम। ये वीडियो सामने आना चाहिए। जीतू तिवारी नाम का ये जो शख्स है, फिर वीडियो जारी क्यों नहीं करता? बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए नरेंद्र। और बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, नर्सिंग कॉलेज घोटाले में एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया। CBI ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। CBI के इंस्पेक्टर राहुल राज समेत 4 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए। CBI की स्पेशल कोर्ट में यह पूरी पेशी हुई है। कोर्ट ने 4 दिन की CBI रिमांड पर इन लोगों को भेज दिया। नर्सिंग घोटाले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज की जांच करने के मामले में जो CBI जांच कर रही थी, इसी टीम में ये लोग शामिल थे। और हैरानी की बात यह है कि जो CBI के अधिकारी शामिल थे, जिसमें CBI के इंस्पेक्टर राहुल राज भी है, ये लोग जो शामिल थे, इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी। और आरोप इन पर यह है कि इन्होंने पैसे लेकर क्लीन चिट दे दी थी और ऐसे कॉलेजेस को क्लीन चिट दी थी जो जमीन पर थे ही नहीं, केवल कागजों में थे, लेकिन इन्होंने रिश्वत लेकर पूरे मामले में क्लीन चिट देने का काम किया। इसका खुलासा CBI ने ही किया। और CBI इंस्पेक्टर राहुल राज समेत 4 आरोपी पेश कर दिए गए हैं।
कोर्ट में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए और 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर इनको भेज दिया गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या इन्होंने खेल किया है, कितने कॉलेज हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं और क्लीन चिट देने का काम किया। अब तक 13 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रशांत कटारे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत, बड़ा मामला है ये, बहुत गंभीर मामला है और हैरानी की बात यह है कि जो जांच कर रहा था वही रिश्वत लेकर के क्लीन चिट देने का काम कर रहा था, अब इस मामले में पूछताछ होगी, 4 दिन की रिमांड। देखिए बिल्कुल 4 दिन की रिमांड मिली है और सूचना ये कि दरअसल आप बता दें कि इससे पहले 9 आरोपी पहले ही जुडिशियल रिमांड पर भेजे जा चुके थे, 14 दिन से ज्यादा की रिमांड नहीं मिल सकती है और वो दूसरा दिन 4 दिन की रिमांड के बाद भोपाल कोर्ट ने सीबीआई विशेष अदालत के जो जज हैं अरविंद कुमार शर्मा उनके सामने पेश किया था। ये सीबीआई की विशेष अदालत है, हालांकि अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी जमानत पर सुनवाई चल रही है। हालांकि जो आरोपी हैं उन्हें वहां से जो एजेंसी थी वो अपने साथ ले जा चुकी है जो आरोपी थे और सीबीआई ने 13 आरोपियों को से पहले भी गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी ये है कि जब इस मामले में और गहन जांच होगी तो हो सकता है कि कुछ और सामने निकल कर आए सामने। तो 4 अगर हम जिक्र करें आरोपी जो मेन आरोपी थे उनमें राहुल राज था, ओम गिरी गोस्वामी, रवि प्रताप सिंह भदौरिया और जुगल किशोर शर्मा, इन चारों को आज कोर्ट में पेश किया गया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के।